सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो कानून को रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले आदेश तक कृषि कानून निलंबित रहेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और अन्नदाताओं को क्या दिए निर्देश, देखे इस रिपोर्ट में। देश में नए कृषि कानून लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कृषि कानून पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। कोर्ट ने कृषि कानून पर विस्तृत चर्चा के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, AIKCC के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अनिल शेतकारी को शामिल किया गया है। ये कमेटी अन्नदाताओं के सभी संगठनों से चर्चा करने के साथ ही कृषि विशेषज्ञों से भी चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद BKU टिकैत गुट के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कमेटी की बात कभी नहीं की थी, हमारी मांग बिल वापसी है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं के साथ बैठक होगी और जो फैसला होगा इसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अन्नदाताओं के वकील के इस बयान पर नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया था कि देश में अन्नदाताओं के 400 संगठन हैं और आंदोलनकारी अन्नदाता कमेटी के सामने पेश होंगे, इसे लेकर वो कुछ नहीं कह सकते। जिसे लेकर CGI ऐसे बोबड़े ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि समस्या का हल निकले। यदि अन्नदाता सरकार से बातचीत के लिए जा सकते हैं तो उन्हें कमेटी के सामने जाने में क्या दिक्कत है। DB Live की रिपोर्ट।